के गुट में सारे एक साथ है ना अभी, और बाकी सब मिला के 42-46 हुए। मुंबई में पैर तो रखो, वहाँ से क्या बातें कर रहे हो, वहाँ पे ट्वीट कर रहे हो, लेटरबाजी कर रहे हो। मुंबई में आकर तुम्हारे में हिम्मत है, तुम्हारे में अगर दम है तो उद्धव साहब के सामने खड़े होकर आँख से आँख मिला के बातें करो, हमको भी देखना है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के कुर्ला में और हमारे सामने आप पीछे की तस्वीर देख सकते हैं, बाला साहब ठाकरे समाज केंद्र ये हॉल है और यहाँ पर भाव कोरगांवकर मौजूद है, इनके साथ और भी अन्य शिवसैनिक मौजूद हैं। भाव क्या कहेंगे, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी कश्ती थी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, क्या कहेंगे, अपनों ही डुबा रहे शिवसेना को? नहीं नहीं, मुझे तो एक इतना ही कहना है कि कल तक जो भी यहाँ का गद्दार आमदार है और कल तक उद्धव जी के पैर छूता था, कल तक बोलेगा तो परसों मैंने खुद, हम लोग साथ में थे और इसके बाद में वो निकल गए, मुझे उससे कोई ये नहीं है। लेकिन एक बात ऐसी है कि ये वास्तु बाला साहब के नाम की पवित्र वास्तु, शिवसेना की वास्तु, इसके आगे ये गद्दारों का यहाँ वास्तव्य होना नहीं चाहिए, इसके लिए ये वास्तु हम इसकी हिफाजत करेंगे। बहु मैं जानना चाहूँगा कि एक एक शिवसैनिक जब भी पार्टी किसी कैंडिडेट को चुनती है, विधायक हो या नगर सेवक हो या खासदार हो, एक एक शिवसैनिक घर घर जाके प्रचार करता है, उस कैंडिडेट को चुन कर लाता है, लेकिन जब धोखा मिलता है तो काफ़ी दुख होता है, इसमें क्या कहेंगे? बिल्कुल धोखा मिलता है, उसमें क्या कहने का है, धोखा देने के बाद इतना दुख होता है कि धोखेबाज उसको तो ये नहीं समझ में आता है कि मैं किसके लिए हूँ, मैं जो भी हूँ ये शिवसैनिकों के और मतदाताओं के बलबूते पे हूँ, फिर भी ये लोग ये नहीं समझ पाते, उनको ये सबक सिखाने के लिए हम लोग इकट्ठा है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि जब बाला साहब ठाकरे थे, जब भी इस तरह की मुसीबत आती थी तो उसे कुछ मिनटों में सॉल्व कर लिया जाता था, यानी कि बाला साहब ठाकरे जी का इतना लोग सम्मान करते थे, इतना आदर करते थे, लेकिन आज कहाँ कमी रह गई है? नहीं नहीं, कमी तो कुछ नहीं रह गई। आपने कल अगर उद्धव जी वहाँ से वर्षा बंगले से आए तो आपने देखा होगा चित्र कि तोड़फोड़ ये नीति अलग है, लेकिन अपने नेताओं के प्रति प्यार मोहब्बत, उनको जो मतलब जिस तरह के तरीके से कुछ उनको दुख देने का प्रयत्न किसी ने किया है तो उनको सहानुभूति, उनको ये करने के लिए सब शिवसैनिक कल कितने तादाद से आए आपने देखा। सही बात है, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अगर उद्धव ठाकरे जी टॉप 5 के मुख्यमंत्री थे तो आज शिवसेना में इस तरह गुटबाजी क्यों दिख रही है? तो ठीक है, देखेंगे आगे आगे, अभी आज तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। जी हाँ, बड़ी संख्या में यहाँ के स्थानिक लोग और शिवसैनिक मौजूद हैं और ये बाला साहब ठाकरे समाज केंद्र का जो समाज केंद्र हॉल है, ये शिवसेना की वास्तु है, ये गद्दारों के हाथ से हमने हमारे ताबे में ले ली। पवित्र बाला साहब ठाकरे के नाम से यहाँ पे पवित्र बाला साहब ठाकरे का नाम लगा हुआ है, वो चीज़ बाला साहब ठाकरे की थी, वो शिवसैनिक की ही रहेगी और उसके ऊपर कोई गद्दार का यहाँ पे कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। जी हाँ, गद्दारों को यहाँ पे घुसने दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। अच्छा। पहले मुंबई में पैर तो रखो, अरे 2700 किलोमीटर दूर भाग गए और वहाँ से बातें कर रहे हो तो अपनी शिवसैनिकों को डर के भागे और किसको, ये तो डर है शिवसैनिक का, ये डर है। कल रात को भी देखा आपने, जब उद्धव साहब घर पे निकले तो देखा, ये डर है और ये डर लगना चाहिए हर एक को कि जब तुम शिवसेना से गद्दारी करोगे तो उसका परिणाम क्या होगा, एक डर तो लगना चाहिए। जी हाँ, एक मैं इतने बड़े बड़े नेताओं की ये करना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े लोक प्रतिनिधि हो, 35 के गुट में हो, एक साथ हो, मुंबई में पैर तो रखो कम से कम। 35 के गुट में फिर भी डर रहे हैं? 35 के गुट में सारे एक साथ है ना अभी, और बाकी सब मिला के 42-46 हुए। मुंबई में पैर तो रखो, वहाँ से क्या बातें कर रहे हो, वहाँ पे ट्वीट कर रहे हो, लेटरबाजी कर रहे हो, मुंबई में आकर तुम्हारे में हिम्मत है, तुम्हारे में अगर दम है तो उद्धव साहब के सामने खड़े होकर आँख से आँख मिला के बातें करो, हमको भी देखना है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे जी से आँख मिलाकर बात करें, हमें भी देखना है, शिवसैनिकों को भी देखना है। एक तरफ मुंबई पुलिस की तरफ से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था किया गया है, कुर्ला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, नेहरू नगर पुलिस स्टेशन आता है उसके अंतर्गत यहाँ के जो पुलिस कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, शिवसैनिकों को एक तरफ देखा जाए तो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। मैडम क्या कहेंगे, आप महिला नगर सेविका हैं और यहाँ पर महिला शिवसैनिक काफ़ी तादाद में मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे, किस लिए जमा है आप लोग यहाँ? आज हम यहाँ पे जो आमदार है, फूटे हुए आमदार है, गद्दार आमदार है, उनके निषेधार्थ हम यहाँ पे जमा हुए हैं।
ये जो वास्तु है ये शिवसेना की वास्तु है, सम्माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे इनके नाम से बनाई हुई वास्तु है। ये वास्तु गरीब लोग और शिवसैनिक इनके लिए अच्छे उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है इसका, और आगे भी सबके लिए होए यही हमारी इच्छा है। और वो पवित्र रखने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं, ये बताने के लिए आए हैं ये वास्तु सिर्फ शिवसैनिक की है और शिवसैनिक की ही रहेगी। शिवसेना इतनी बड़ी है, ये जो गद्दार है अभी फूटे हुए आमदार है, ऐसे प्रसंग बहुत बार आए हैं शिवसेना पे, लेकिन शिवसेना कभी रुकी नहीं है, वो 2 गुना 10 गुना बढ़ती ही रहेगी, बढ़ती ही रहेगी। रही बात जो गद्दार आमदार है उनकी, तो उनको ये भूलना नहीं चाहिए कि इनको जब भी इलेक्शन था तभी सामान्य हमारा शिवसैनिक है उसने अपनी जनता शिवसैनिक उन्होंने अपना पसीना एक करके खून पसीना एक करके उनको इलेक्शन के टाइम पे मदद की है और वोटिंग करके उनको अच्छे वोटों से जिताया है और शिवसेना आमदार करके उनको पदवी दी गई थी। लेकिन उसका अगर वो अभी फितूर होंगे और शिवसेना का खिलाफ जाएंगे तो ये शिवसेना कभी भी माफ़ी नहीं करेगी और गद्दारों को तो बिल्कुल माफ़ी नहीं करेगी। अच्छा, क्या कहेंगे आप लोगों ने, शिवसेना पार्टी ने आपके प्रमुख ने जब एक कैंडिडेट को चुना, आप लोग गली गली जाके प्रचार किए, जीता के लाए, लेकिन आज उनके तरफ से धोखा मिल रहा है, कैसा महसूस कर, क्या कहना चाहेंगे? बुरा तो लग रहा है, लेकिन छगन भुजबल साहब के टाइम से जो गद्दार निकल रहे हैं सेने से शिवसेना से, तो ऐसा लगता है कि ये तो आदत हो गई है उनको, लेकिन हम लोग झुकने वाले नहीं है किसी के झुकाने से, या कोई दूसरी पार्टी हम लोगों को कोई रिश्वत दे या कुछ ऑफर कर रही है तो हम लोग जाने वाले नहीं हैं। हम लोग हमारे पक्ष प्रमुख श्रीमान उद्धव जी ठाकरे इनके साथ ही रहने वाले हैं, और शिवसेना भगवा जो हम लोग का निशानी है, धनुष्यबाण निशानी है, उसके साथ ही रहेंगे, किसी और के साथ नहीं जाने। जी हाँ, शिवसैनिकों का यही कहना है कि बाला साहब ठाकरे का जो सिद्धांत था उसे मानेंगे और उसी सिद्धांत पे चलेंगे, हालांकि उद्धव ठाकरे जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। कल भी देखा गया था कि उद्धव ठाकरे जी जब अपने बंगले वर्षा बंगला से बांद्रा की तरफ आ रहे थे, काफ़ी शिवसैनिक वहाँ पर जमा थे, नारे लगा रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? आज एक विधायक को चुनकर देना और उनके तरफ से धोखा पाना, क्या कहना चाहेंगे? क्या बुरा तो लग रहा है, हर शिवसैनिक है, हर शिवसैनिक की मेहनत है, हर जनता की मेहनत है, अपने खून पसीने से हर एक लोक प्रतिनिधि को आमदार जो है वो किसके दम पे चुन के आए हैं, बराबर है ना, शिवसेना के नाम पे और शिवसैनिक और जनता के खून पसीने की मेहनत के दम पे वो चुन के आए और लोगों को हित के लिए काम करने के लिए शिवसेना प्रमुख उद्धव साहब और आदित्य साहब ने उनको उम्मीदवारी दी थी, उन्होंने दूसरे पक्ष के क्या एकनाथ शिंदे जी ने उनको उम्मीदवारी नहीं दी थी, उनको उम्मीदवारी शिवसेना पक्ष ने दी थी, तो शिवसेना पक्ष के लिए उन्होंने सोचना था, और ऐसे गद्दार बहुत आए और गए, शिवसेना के ये नया नहीं है, शिवसेनेला हे नवीन नहीं है। आता ह्या लोकांना एकच आव्हान आहे, जेवढे आमदार गेले त्यांनी स्वतःच्या हिमतीवर शिवसेनेच्या आमदारकीचा राजीनामा द्यावा आणि नंतर त्यांनी निवडून येऊन दाखवावं, मग आम्ही त्यांना मानणार आहोत, बरोबर आहे की नाही? ह्या आपल्या स्वतःच्या वैयक्तिक जिद्दीवर किंवा मेहनतीवर हे निवडून येऊ शकत नाहीत, आणि ह्यापुढे शिवसैनिकांचं आव्हान त्यांना मुंबईत नाही, अख्ख्या महाराष्ट्रात, मुंबई आमची आहे, ठाणा आमचा आहे आणि अख्खा महाराष्ट्र आमचा आहे, आणि तो कायम आमच्या शिवसेनेच्या हातातच राहणार। आदित्य साहेब आणि ही हिंदुस्थानची महाराष्ट्राची तमाम जनता ही आदित्य साहेब उद्धव साहेब यांच्या खंबीरपणे, तेजस ठाकरे साहेब यांच्या खंबीरपणे पाठीशी आहे आणि आम्ही कायम राहणार, आणि या लोकांनी आम्हाला सांगून यावं मुंबईमध्ये की आम्ही या दिवशी येतो आहे, त्या दिवशी त्यांचं आव्हान आम्ही स्वीकारायला तयार आहोत। जी हाँ, शिवसैनिकों का खुला आव्हान है कि जो भी विधायक बंडखोर है, जो यहाँ पे गद्दारी करके गए, वापस आके मुंबई में दिखाएं, उनको हम दिखाएंगे किस तरह शिवसेना होता है और किस तरह शिवसैनिक ईमानदारी से पार्टी के साथ होता है, और उद्धव ठाकरे जी के साथ जिस तरह गद्दारी की गई है और जिस तरह महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं शिवसैनिक इस वक्त विरोध कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जब विधायक यहाँ पर आएंगे तब किस तरह का माहौल और किस तरह का मंजर होगा और कब तक शपथ विधि होती है या कब तक सरकार बनती है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, सीएन न्यूज मुंबई।
के गुट में सारे एक साथ है ना, अभी और बाकी सब मिला के 42-46 हुए, मुंबई में पैर तो रखो, वहाँ से क्या बातें कर रहे हो, वहाँ पे ट्वीट कर रहे हो, लेटरबाजी कर रहे हो, मुंबई में आके अगर तुम्हारे में हिम्मत है, तुम्हारे में अगर दम है, तो उद्धव साहब के सामने खड़े होकर आँख से आँख मिला के बातें करो, हमको भी देखना है। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।